बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरियम किचन। आज मैं आपके साथ एक सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है तहनी सॉस। ये यहाँ सऊदीया में ज़्यादातर कब्सा के साथ सर्व की जाती है। चावलों के साथ ये यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है और बहुत मज़ेदार और ये हेल्दी सॉस होती है। इसे हम तीन चीज़ों के साथ बनाएंगे। इसमें जाएंगे तिल, ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, तकरीबन एक कप। नमक जाएगा इसमें हसबे जायका, मेरे पास आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम है। और ओलिव ऑयल जाएगा इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून। आइए हम अपनी तहनी सॉस को शुरू करते हैं। फ्लेम हमारा ऑन है और इसे हमने मीडियम टू लो पे रखा है क्योंकि हमने तिल को रोस्ट करना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जल के डार्क ब्राउन ना हो जाए। सेसमी सीड को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट किया है। ये देखिए इनका हल्का गोल्डन सा कलर आ गया है और इनकी खुशबू भी आने लगी है। अब हम चूल्हा ऑफ करेंगे और इसका अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ मेरे पास चॉपर है। अब हम इन तिलों को इसके अंदर डालेंगे और इसे पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। ये हल्के से गर्म है, हम 1-2 मिनट इंतज़ार करने के बाद इन्हें पीसेंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए तिल हमने पीस लिए हैं, ये अच्छे से पीस चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ओलिव ऑयल ऐड करूँगी 3 चम्मच। इतना ही ऑयल डालेंगे कि ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली पसंद करें तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम इसे दोबारा से पीसेंगे। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और ऐड किया था तो उसके बाद ये रिज़ल्ट है। ये देखें बहुत अच्छे से बन चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, ये आप अपने मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे आपको सर्व करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए सॉस हमारी रेडी हो चुकी है और इसकी शक्ल भी बहुत प्यारी आई है, कलर भी अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। ये बहुत हेल्दी होती है, बच्चों और बड़ों सब के लिए हेल्दी सॉस है। आप चावलों के साथ खाएं, परांठे के साथ खाएं, जैसे ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं, आप बन के ऊपर लगा के खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की लगती है। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।